एक नए बीमारी व्हीट ब्लास्ट करके जो बांग्लादेश में आया है और काफी खतरनाक बीमारी है, और ये बीमारी का सामना करने के लिए हम अपना जर्म प्लाज्म वैरायटी किस्में बाहर भेजें जहां बीमारी होता है, वहां उसका स्क्रीनिंग कराएं, वहां से जो रेजिस्टेंट है जिसमें सहनशीलता है उसको चिन्हित किए, पहचान किए और उसको देश में उसका प्रसार किए और तब जाके हम उसमें से निपटे हैं। तो अभी जो नए नए किस्म, अभी भी आपको पता, आपको ये भी जानकर ये आपको जानना चाहिए, जो हमारे देश में ये जो हमारे व्यवस्था है नए किस्म बनाने का और उसका मल्टी लोकेशन इवैल्यूएशन करने, ये गेहूं का इस तरह का व्यवस्था जिस राज्य में गेहूं उगाया जाता है उस राज्य में जो विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है, उसको साथ लेते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शोध करता है, नए किस्म बनाता है और नए किस्म का मल्टी लोकेशन टेस्टिंग 3 साल करता है, और 3 साल के टेस्टिंग ये सारे राज्यों में विभिन्न प्रांतों में किया जाते हैं, करने के बाद जो अच्छा साबित होता है उसको हम रिलीज करते हैं किसान को लिए, बीज उत्पादन के लिए राज्यों को देते हैं और बीज राज्य इंडेट करते हैं, उसके लिए प्रजनक बीज हम बनाते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्यों में स्थित कृषि विश्वविद्यालय में इसका बीज बनता है, प्रजनक बीज बनता है, वो फिर राज्य सरकार लेते हैं, उसमें से फिर वो सर्टिफाइड सीड बनाते हैं, फिर किसान को देते हैं। ये प्रक्रिया जारी है जिसके वजह से अच्छे बीज किसान के पास पहुंचने के वजह से आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य शस्य उत्पादन हो रहा है।